पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है और हमारी बड़ी नेक ख्वाहिश है मुल्तान सुना के, लेकिन आपको और आपकी सेलिब्रेशन को ना हम सब बड़ा मिस कर रहे हैं। शाहनवाज धानी को मिस कर रहे हैं PSL 8 से, ये बिल्कुल जॉनसन बल्कि जरा वेरी गुड एक वाह वाह वाह। ये कभी ऐसा हुआ कि आप नेशनल स्टेडियम में आपने विकेट ले ली हो और आपने 5 मिनट बाद अपने आप को नीपा चौरंगी में पाया हो, इतना आगे निकल गया। यूनुस भाई मेरे ख्याल से स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए जरा आपने आपको बोल दिया। ये बहुत जबरदस्त, ये बड़ी यूनिक सी सेलिब्रेशन है जो कि बस आउट हो और भागते रहे इनको फिटनेस के इतने इशू नहीं होंगे। ये जो आपको एम्पायर ने रोका था अभी, उस एम्पायर ने बाद में आपसे कुछ कहा कि पैन की हो गया यार, क्या होगा? उन्होंने कहा है कि टाइम ज्यादा, आपका भी नुकसान हो रहा है, हमारा मैच का भी नुकसान हो रहा है, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े, बॉल करें। मैंने बोला नहीं, मैं सेलिब्रेट अपना सेलिब्रेशन कंप्लीट करके फिर दोबारा बॉल करूंगा। आप अपने सेलिब्रेशन का रनअप कम करने के मूड में है कि नहीं है? अभी तो नहीं लग रहा, कोई नहीं है, बढ़ेगा। कंटिन्यू जी, देखिए एनजी भाई से पूछते हैं। हां जी सर, आपको कह रहे, फिर मैं एनजी भाई से जरा माहिराना राय पूछनी है। एनजी भाई बनता तो नहीं है आज इतना खुशी का मौका, अगर हमारी आवाज है प्लस कर दीजिए जी सर, इतने खुशी के मौके पे ऐसी बात करना बनता तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ आपके थ्रू पूरे पाकिस्तान तक ये बात पहुंचे। अच्छा जल्दी, आज मैं एयरवाई आ रहा था तो मेन रोड पे खातून खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा मैं पिछले एक घंटे से सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये गाड़ियाँ रुक नहीं रही। आए, आए। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा मैं आपका साथ देता हूँ। मैंने गाड़ियाँ अपने हाथ से रुकवाई और उनको रोड क्रॉस करवाई। तो मैंने कहा आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी औलाद की तरह मुझे रोड क्रॉस कराई। तो मैंने कहा आंटी आप प्लीज़ घर चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला बेटा बोलो, मैं भी तुम्हारे माँ की तरह। मैंने कहा आंटी कराची के बहुत आज हर बात में।